एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइब डिया भाई। आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हम अपनी कार को घर पे कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं बिना किसी डिटेलर की हेल्प लिए और ना ही ज्यादा पैसे खर्चे। अगर हम किसी डिटेलर के पास जाते हैं तो हम यही चीज अराउंड 800 से 1000 रुपए के अंदर अंदर होती है, बट अगर हम यही चीज घर पे करते हैं तो ये सिर्फ 50 रुपीज के अंदर हम कर सकते हैं। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ करते कैसे है। तो हमें अपनी कार सैनिटाइज करनी कैसे है, हमें सबसे पहले चाहिए स्पिरिट, जो कि आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। ये बेसिकली यूज होता है जर्म्स क्लीन करने के लिए। फिर हमें इसको मिक्स करना है एक स्प्रे बॉटल के अंदर वाटर के साथ। अगर हमने 100 ml ऑफ स्पिरिट लिया है तो 100 ml ऑफ वाटर लेना है। देन इसको हमने डैशबोर्ड या किसी भी कार पैनल पे स्प्रे करना है। फिर उसको क्लीन करना है एक माइक्रोफाइबर क्लोथ से। अगर माइक्रोफाइबर क्लोथ नहीं है आपके पास तो हम किसी भी हैंड टॉवल से क्लीन कर सकते हैं। तो अब आप देखिए करनी कैसे है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये करना कैसे है। जैसे हमने स्प्रे करा डैशबोर्ड पर या किसी भी पैनल पर या किसी भी सीट पर, एंड देन जस्ट एक माइक्रोफाइबर क्लोथ लेके उसको क्लीन कर देना है और ये कार आपकी सैनिटाइज हो गई। ये एरिया सैनिटाइज्ड है और अगर आपको लगता है ये गीला रह रहा है तो ये अपने आप सूख जाएगा थोड़े टाइम में, अराउंड 10-15 seconds के अंदर पूरा ड्राई हो जाएगा। या इसके बाद आप कोई पॉलिश भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे हम कर सकते हैं अपनी कार को सैनिटाइज। अभी मैंने आपको सिर्फ डैशबोर्ड और एक ड्राइविंग डोर और एक ड्राइविंग सीट दिखाई है। ऐसे मैं आपको पूरी कार करता हुआ दिखा के बोरिंग वीडियो नहीं करना चाहता, इसलिए आपको सिर्फ एक बेसिक चीजें दिखाई हैं, जैसे हैंड ब्रेक्स, आर्म रेस्ट, गियर नॉब, स्टेयरिंग और साथ में लीवर्स जितने होते हैं जैसे इंडिकेटर वगैरह वाले, वो सब हमें अच्छे से क्लीन करने हैं। बिकॉज सबसे ज्यादा जर्म्स उन्हीं पे आ सकते हैं, हम जब कार ड्राइव करते हैं सबसे पहला हमारा हाथ उन्हीं चीजों पे लगता है। सो इसलिए इन सब चीजों को बिल्कुल क्लीन करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सबको बाय।